Assalamu alaikum to all my students. I am your computer teacher from Metropolitan Foundation School. How are you? I hope you all are fine and spending a quality time with your family at home. You must follow all these instructions before starting your work. You should do work in your copies, write a date on your page. first letter should be capital use finger space between the words بسم الله الرحمن ये आपका मंथ ऑफ सप्टेंबर का जो लास्ट टाइम मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था आउटपुट डिवाइस का उस चैप्टर के काम हैं उस चैप्टर की डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताई थी चैप्टर का नाम आपके पास आउटपुट डिवाइस है जिसके अंदर हमने कंप्यूटर के अंदर बहुत सी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था जिसके अंदर हमने मॉनिटर के बारे में पढ़ा था और उसकी बहुत सी टाइप्स के बारे में भी पढ़ा था और उसके बाद हमने प्रिंटर के बारे में पढ़ा था प्रिंटर की डिफ़रेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा था और भी बहुत सी आउटपुट डिवाइसेस थीं जिनके बारे में मैंने आपको बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया था तो आज उस सबक के अंदर जितना भी काम करना है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी सबसे पहले तो आप चैप्टर की डिस्क्रिप्शन देख लीजिए कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से काम मुकम्मल करने हैं फर्स्ट यू कंप्लीट क्वेश्चन आंसर नाउ सेकेंड वन इज़ फिल इन ब्लैंक्स नाउ थर्ड वन इज़ True and false. Now last one is short note. ये आपकी चैप्टर की डिस्क्रिप्शन है जो आपने मंथ ऑफ सेप्टेम्बर के चैप्टर आउटपुट डिवाइसेस के अंदर कंप्लीट करनी है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं क्वेश्चन आंसर के अंदर फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है डिफाइन आउटपुट नाउ क्वेश्चन नंबर वन इज डिफाइंड आउटपुट द आंसर इज द रिज़ल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा इज कॉल्ड आउटपुट मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि वो रिजल्ट जो आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा जो डेटा प्रोस, प्रोसेस होने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट शो होता है उस रिजल्ट को हम लोग आउटपुट कहते हैं ठीक है फिर आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू है डिफ़ाइन मॉनिटर ऑल्सो राइट इट्स टाइप मॉनिटर आपने डिफ़ाइन करना है कि मॉनिटर क्या होता है और उसकी टाइप्स आपने लिखनी है सिर्फ टाइप्स के नेम लिखने हैं उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं देनी उसको एक्सप्लेन नहीं करना Now answer is: a monitor is a soft copy output device which look like a TV. After the data is processed by the CPU, it is displayed on the monitor. Its type is number one, monochrome monitor, number two. कॉलर मॉनिटर। नाउ योर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वाई डू वी नीड आउटपुट डिवाइसेस कि हमें आउटपुट डिवाइस की नीड क्यों होती है आउटपुट डिवाइस आर नीडेड टू गिव द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी Now, next question is write, write the difference between monochrome monitor and color monitor. A monochrome monitor displays information generally in one color only black and white. Color monitor a color monitor displays information in many colors differentiate between analog and digital monitor now first heading is analog monitor and your second one heading is digital monitor analog monitors can display only a few colors their image quality is not high therefore cannot be used for multimedia purpose their price are less than digital monitor now second heading is digital monitor डिजिटल मॉनिटर कैन डिस्प्ले आउटपुट इन मैनी कलर्स दे आर बिगर इन साइज एंड आर फास्टर बट देयर प्राइस बट देयर प्राइस आर हायर देन एनालॉग मॉनिटर। इसमें उन्होंने बताया कि एनालॉग मॉनिटर डिस्प्ले करता है फ्यू कलर्स मतलब बहुत कम कलर्स देयर इमेज क्वालिटी की इसकी इसकी जो इमेज क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है दे फोर कैन नॉट बी यूज़ फ़ॉर मल्टी मीडिया इसी वजह से इसको मल्टी मीडिया के लिए यूज़ नहीं किया जाता देयर प्राइज़ आर लेस दैन डिजिटल मोनिटर और इसके प्राइस भी डिजिटल मॉनिटर से बहुत ज़्यादा कम है और यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है डिजिटल मॉनिटर कैन डिस्प्ले आउटपुट इन मैनी कलर्स डिजिटल मॉनिटर्स अपने जो आउटपुट शो करता है वो सो मैनी कलर्स के साथ अपना आउटपुट शो करता है ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बिगर होता है एंड फास्टर बहुत ज़्यादा फास्ट फास्ट काम करता है बट देयर प्राइज़ आर हायर बट इन सब क्वालिटीज़ के अलावा इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है अगर हम कंपेयर करें एनालॉग मॉनिटर को फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिंटर एंड मॉनिटर। प्रिंटर और मॉनिटर के दरमियान हमने डिफरेंशिएट करना है ठीक है ना फर्स्ट हेडिंग इज़ प्रिंटर And your second one heading is monitor. Printer. A printer is a hard copy output device needed by the computer for printing the data that can be carried, sent, and read independently. Monitor. A monitor is a सॉफ्ट कापी आउटपुट डिवाइस विच लुक लाइक आर टी वी आफ्टर द डेटा इज प्रोसेस्ड बाय दी पी यू इज डिस्प्लेड ऑन द मोनिटर अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको प्रिंटर क्या है हमारे पास एक हार्ड कापी आउटपुट डिवाइस है नीडेड बाय द कंप्यूटर फॉर प्रिंटिंग द डेटा और ये क्या काम करता है डेटा को प्रिंट करता है डेट कैन बी कैरीड ये और क्या काम करता है कैरीड करता है सेंड करता है रीड करता है ठीक है और हमें एक आउटपुट की शक्ल में प्रिंटर प्रिंट आउट निकाल के दे देता है फिर हमारे पास एक सेकेंड हेडिंग है मॉनिटर की अ मॉनिटर इज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस विचलो लुक लाइक टी वी मोनिटर क्या है एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो किसकी तरह लगता है एक टी वी की तरह लगता है आफ्टर द डेटा इज प्रोसेस बाय द सी पी यू इज डिस्प्लेड ऑन द मोनीटर जब सी पी यू के अंदर से डेटा प्रोसेस हो जाता है तो वो शो कहाँ पर होता है मोनिटर पे जस्ट लाइक like, हमने कीबोर्ड से ए के बटन पे क्लिक किया उस कीबोर्ड ने अपने सिग्नल्स सीपीयू को प्रोवाइड किए सीपीयू क्या है कंप्यूटर का ब्रेन है तो सारे सिग्नल्स कहाँ जाएंगे ऑब्वियसली ब्रेन में जाएंगे तो जब उसने सिग्नल प्रोवाइड किया सीपीयू को तो सीपीयू ने अपना माइंड यूज़ करा और उसके ऊपर वर्क किया और जब डे और जब उसने हमने उसको क्या दिया डेटा दिया और उसने उस डेटा के ऊपर प्रोसेस किया और मॉनिटर के ऊपर हमने जो अल्फ़ाबेट टाइप किया था वो शो हो गया ठीक है फिर हमें यहाँ पर इस चैप्टर की क्या दी गई है फिर इन दी ब्लैंक्स दी गई है मैं रीड कर रही हूँ नाउ नंबर वन इज अ कंप्यूटर हैज़ मेनली टू टाइप्स ऑफ डैश डिवाइस द आंसर इज आउटपुट ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी सीन ऑन द डैश The answer is monitor. The printed copy of the output device. The printed copy of the output is called the dash. The answer is hard copy. A page printer requires more memory than a dash printer. The answer is character now number five is plotter is generally used by dash and dash the answer is architect and engineers now your next work is true and false now number 1 is a color monitor display information in one color the answer is false number 2 character printers used one character at a time the answer is true number 3 is an inkjet printer uses small drops of ink for printing the output the answer is true plotter are output device for printing high quality drawing the answer is true a plotter is used to play games on the computer The answer is false. Now your last one work is write short note on the following. आपने यहाँ पे short note लिखना है किसके ऊपर लिखना है projector के ऊपर और plotter के ऊपर नाउ फर्स्ट है प्रोजेक्टर आ प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस यूज टू प्रोजेक्ट आउटपुट ऑन द लार्ज स्क्रीन जस्ट एज वी वी आ मूवी इन अ थिएटर प्रोजेक्टर क्या होता है जैसे मैंने आपको चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया प्रोजेक्टर क्या होता है एक वाइट कलर का बॉक्स होता है एक रेक्टेंगल शेप में बॉक्स होता है जिसके आगे एक बड़ी सी लाइट होती है ठीक है उसको हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं कि सामने एक वाइट कलर की या तो वाइट बोर्ड होना चाहिए या फिर वाइट कलर की कोई स्क्रीन होनी चाहिए तो हम वो प्रोजेक्टर की स्क्रीन जो है प्रोजेक्टर की जो लाइट है वो वाइट स्क्रीन के ऊपर शो करते हैं तो जो भी कुछ प्रोडक्ट प्रोजेक्टर के अंदर वर्क हुआ हुआ होगा एज अ मूवी एज अ क्रिकेट एज अ गेम जो भी आप लोगों ने प्रोजेक्टर के अंदर डेटा फिक्स किया है अगर वो लाइट आप वाइट बोर्ड के अंदर डालेंगे तो जो कुछ प्रोजेक्टर पे वर्क है वो सब वाइट स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा एज आ मूवी इन अ थिएटर जैसे आप लोग मूवी वग़ैरह देखते हैं थिएटर के अंदर इस तरीके से आपके पास एज अ बिग क्वालिटी में शो हो जाएगा नाउ योर सेकेंड हेडिंग इज प्लॉटर अ प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस फॉर प्रिंटिंग हाई क्वालिटी ड्राॅइंग प्लॉटर इज़ यूज बाय आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स व्ययफाइन वर्क इज़ इन्वॉल्व प्लाटर क्या होता है एक किस्म की प्रिंटिंग डिवाइस होती है जो हाई क्वालिटी का प्रिंट करती है हाई क्वालिटी की ड्राॅइंग को प्रिंट करती है इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट जो है वो इसको यूज़ करते हैं इंजीनियर्स क्या करते हैं बिल्डिंग्स वग़ैरह मेड करते हैं तो उन्होंने कोई छोटी ड्राॅइंग नहीं बनानी होती पूरी पूरी बिल्डिंग का उन्होंने जो है ना इस्केच बनाना होता है और फिर उसका प्रिंट आउट निकालना होता है तो प्रिंट आउट के लिए अगर हम नॉर्मल प्रिंटर यूज़ करें तो इस हिस्स वेरी स्मॉल वन इस वजह से वो उन, उन लोगों के लिए इन्होंने एक बिग वन प्रिंटर मेड किया है जो सिर्फ इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट वगैरह यूज़ करते हैं यह आपका मंथ ऑफ सितंबर का वर्क है मंथ ऑफ सितंबर के चैप्टर का नेम है आपके पास आउटपुट डिवाइसेस जिसके अंदर जो जो काम करना है मैंने आपको इस वीडियो में सब बता दिया है थैंक यू टू वॉच माय वीडियो